हाय एवरीवन, सो मैं आपके सामने आज दो अच्छी खबर लेके आया हूँ एंड साथ ही साथ एक एडवाइस भी लेके आया हूँ। तो पहले क्या सुनना पसंद करोगे? चलिए पहले हम अच्छी खबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली अच्छी खबर ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा जो आज एक्सपायर होने वाला था वो अब हम एक्सटेंड कर देंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे तो हमने सोचा चलो ठीक है 2 दिन के लिए हम एक्सटेंड कर देंगे। और दूसरी इससे भी अच्छी खबर ये है कि इंड एस 116 डेट इज़ लीजेस जो हमारा है, हमने प्लान किया है कि इंड एस 116 लीजेस हम पूरा एक दिन 24 आवर्स के लिए हम इसे अनलॉक करेंगे। अब समझ लीजिए ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी जुलाई में एग्जाम्स देने वाले हैं, देखिए वो पूरा कोर्स तो देख नहीं सकते हैं एंड मुझे लगता है कि उनको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उन्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ कुछ करने होंगे तो वहाँ पर उन्हें मदद मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल तो नहीं परसों पूरा दिन आपका 24 आवर्स आपका अनलॉक रहेगा। तो आपको जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है इंडेस 116 में, जहाँ पर भी जो इशूज़ है आप वो देख के कवर कर लीजिए आप, ताकि आपका इंडेस 116 बड़ा टॉपिक है एंड आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स आपके वो मैं सारे आपके कवर करा दीजिए। इंडेस 115 की हमने रिविजनरी वीडियो डाली दी है, क्वेश्चन का भी एक पार्ट हमने डाली दिया है, बाकी हम डाल ही देंगे एंड कंसोलिडेशन आपने ऑलरेडी ऐप में देख ही लिए हैं, है ना। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी आपका यूट्यूब में वीडियो है ही पूरा, यहाँ पर 103 का भी रिविजनरी वीडियो यूट्यूब में है। एप्लीकेशन में अगर मुझे लगा एक दिन के लिए करना चाहिए तो मैं सोचूंगा आगे, है ना। तो यहाँ पर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बड़ा टॉपिक सारा कवर हो जाए। यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। और साथ ही साथ जैसे दो गुड न्यूज़ मैंने आपको सुना दी पोर्टफोलियो एंड एक और इंडेस 116 के रिगार्डिंग, एंड कमेंट करके जरूर बताएगा आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो यहाँ पर भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो हाँ इंडेस 116 के लिए भी तो ही मैं अनलॉक करूँ ना, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर भी मतलब अनलॉक करके क्या मतलब है फिर, क्योंकि हमारा भी अननेसेसरी लॉसेस हो जाता है फिर। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम इंडेस 116 एक दिन के लिए अनलॉक कर सकते हैं पूरा, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएगा ये चीज़। अब इसके अलावा एक और बात, ये एडवाइस है आपके लिए, देखिए कितने जन FR जो है ना वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 तारीख या 2 तारीख से, डेट इज़ 1st of July ऐसे करेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा मत करिए आप, ऐसा रिस्क मत लीजिए क्योंकि 5th को एग्ज़ाम है एंड FR बहुत वास्ट है। अनटिल एंड अनलेस आपके लिए दिक्कत है उससे पहले करना, पर मेरा सजेशन ये है, मेरा एडवाइस ये कि आप 27 या 28 से आपका FR चालू हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 27 ना सही तो 28 से एटलीस्ट आप अपना FR का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ अगर उसी बीच में 28, 29, 30 को 2 घंटे 3 घंटे आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो SFM ऑडिट वगैरह कुछ तो आप वो पढ़ सकते हैं, पर बाकी FR आपको 28 से स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमने ABC एनालिसिस का भी वीडियो बनाया तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा चैप्टर चूज़ कीजिए जो वेटेज दे आपको, ऐसा चैप्टर मत पढ़िए जिसका वेटेज ही ना हो। मतलब स्टूडेंट्स छोटे छोटे चैप्टर पहले करते हैं वो गलत है, आपको पहले बड़े चैप्टर्स करने चाहिए, उससे तो क्वेश्चन आएंगे एंड वो आप सिक्योर करें अच्छी तरीके से। तो ये करना बहुत ज़रूरी है एंड ये करने के बाद साथ ही साथ आपको ये सारे तो प्रिपेरेशन करने अच्छी बात है यहाँ पर, एंड इसके बाद साथ में आपको कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा अभी, ये चीज़ का ध्यान रखिए। पढ़ाई करते रहिए जितना हो सकता है आपके लिए बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, डेफिनेटली देखिएगा आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड चलिए बस इतने आपके साथ डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जहाँ पर हम फिर से डिस्कस करेंगे।